सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और चैनल के लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके एक घंटी को दबा लीजिए ताकि आपको फोटोशॉप से जुड़ी हुई ऐसी जानकारियाँ और मिलती रहे। और आगे सीखते हैं कि कैसे जो वो हम लोग किसी फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। कैसे करें डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है और आज जो वो आपको बताने वाले हैं कि फोटोशॉप में आप जो वो कैसे चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड को किसी भी फोटो के। तो यहाँ पर जो वो काफ़ी सारी कंडीशंस होती है, यहाँ पर जो वो सबसे बड़ी कंडीशन रहती है कि आपको फ़ोटोज़ को इस अकॉर्डिंग चूज़ करना होगा कि आप जो वो बैकग्राउंड जो वो चेंज कर सकें। अभी जो वो मैं दो फ़ोटोज़ को जो वो ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर जो वो एक फ़ोटो ये वाली है और एक और फ़ोटो जो है वो मैं ये वाली जो वो डाल लेता हूँ ताकि मैं जो इस स्टोन पर आसानी से जो वो बैठ सकूँ। मेरी फ़ोटो कुछ इस तरह की है तो मैं जो वो फ़ोटोज़ को दोनों को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर जो फोटोशॉप में आप जो वो सीधा यहाँ पर मल्टीपल क्लिक करके भी चूज़ कर सकते हैं, फाइल में ओपन में जा करके भी जो वो आप चूज़ कर सकते हैं। मैं सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अपनी फाइल को यहाँ से जो वो ड्रैग करके यहाँ से जो वो ड्रॉप कर दीजिए। अब सबसे बड़ा काम जो होता है वो होता है यहाँ पर इसकी मास्किंग करना। मास्किंग के लिए आपको यहाँ पर जो वो कई सारे बटन्स मिलते हैं, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये वाला ऑप्शन है या लासो टूल मिल जाएगा आपको, जो वो यहाँ पर पॉलीगन लासो मिल जाएगा, सीधा मैग्नेटिक लासो जो वो आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर जब वो सबसे आसान होता है पॉलीगन को यूज़ करना, जो है वो लासो टूल आपकी फ्री हैंड यूज़ करेगा और मैग्नेटिक वाला ऑटोमेटिकली चिपकेगा। तो पॉलीगन जो है वो आप इसको चूज कर लीजिए, उसके बाद जो आपको इसको कंट्रोल को दबाते हुए प्लस को जैसे दबाएंगे जो है वो बड़ा हो जाएगा आपका पिक्चर। जैसे आप जो वो स्पेस बार को दबाएंगे उसके बाद जब आप अगर ड्रैग करेंगे बटन से पकड़ते हुए जो अपना लेफ्ट वाला बटन होता है माउस का, उसके ज़रिए तो आप जो वो ड्रैग कर पाएंगे। अभी जो आपको बताता हूँ मैं एक बार के लिए जो है मास्किंग कैसे करनी है। आप जो वो मास्किंग अच्छे से कर लीजिए यहाँ पर, ओके यहाँ पर जब वो ड्रैग और उसके बाद जब मास्किंग स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर जब वो मास्किंग जितनी बढ़िया होगी फ़ोटो उतनी ही अच्छी खिलेगी आपकी, यहाँ पर जो वो फ़ोटो उतनी ही अच्छी जो वो आने वाली है, उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आप जो वो मास्किंग अच्छे से बना लीजिए, मैं जो वो फटाफट मास्किंग बनाता हूँ यहाँ पर, जो वो आपको ज़्यादा दिखाने वाला नहीं हूँ। क्लियरिटी आप जब वो खुद अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा आप कितना जो वो बनाना चाहते हैं इसकी क्वालिटी को। तो मैं जब वो आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जब वो फटाफट कर देता हूँ इसकी मास्किंग को। यहाँ पर जो वो काफ़ी समय लेती है ये मास्किंग, अगर आप जो वो इसको बिल्कुल अच्छे से जूम करके आपको जो वो करना होगा, अच्छे से जूम करके आपको जो वो मास्किंग बनानी होगी इसकी। और इस तरह से मास्किंग जो आप कंप्लीट कर लीजिए, आप जो कंट्रोल प्लस दबाएंगे एक साथ में तो यहाँ पर जो बड़ी हो जाती है फ़ोटो, आपको कोई प्रॉब्लम जो नहीं होने वाली है। तो लास्ट में जो यहाँ पर ला करके मिला दिया है, अभी जब वो हमें इस फ़ोटो को यहाँ से जब वो दूसरी जगह पर लेकर के जाना है तो इसके लिए हमें यहाँ पर जब वो इस टूल को चूज़ कर लेना है और यहाँ से जब इसको यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। उसके बाद जब आप कंट्रोल टी का यूज़ करके इसको कंट्रोल माइनस का यूज़ करके जब वो आप जब इसको बैलेंस कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, कंट्रोल टी यूज़ कीजिएगा आप यहाँ पर। और आप जब यहाँ से इसको शिफ्ट को पकड़ लीजिएगा ताकि जब वो फ़ोटो ज़्यादा जब वो एक तरफ जो है अनबैलेंस ना हो। तो यहाँ पर जो हम लोग फ़ोटो को जो बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पर और अच्छे से दिखा देते हैं कि हम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो एंटर कर देते हैं और उसके बाद जो फ़ोटो को फुल बड़ा कर देते हैं, फुल फ्रेम में ले आते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो आपको ये वाला स्पेस पहले वाला दिख रहा है हमारा हल्का, बाकी जो वो दिख रहा है तो आप जब इसको कंट्रोल जो प्लस करते हुए अंदर जूम कर लीजिए, सिर्फ स्पेस बार के साथ जो वो लेफ़्ट वाला बटन दबा करके मूव कर लीजिए माउस को हिलाते हुए। दोबारा से जब वो लासो टूल पे चले जाइए, यहाँ पर जब वो चले जाइए इसको सेलेक्ट कर लीजिए स्पेस को और टच कर करके, और उसके बाद जब वो डिलीट यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद डिलीट दबा दीजिए। यहाँ से जब वो कंट्रोल माइनस कीजिए, अब देखिए आप जब वो हल्की बैलेंसिंग होगी कंट्रोल डी, कंट्रोल एम का यूज़ करते हुए आप जो यहाँ पर हल्का डार्कनेस लाइटनेस कर सकते हैं ताकि जो वो फिगर अच्छे से मैच कर जाए आपकी इस बैकग्राउंड के साथ जो बैकग्राउंड आपने यूज़ किया है। उसके बाद जब आप इसको ओके कर दीजिए, उसके बाद कंट्रोल और शिफ्ट एस को दबा दीजिए सेव करने के लिए। आप यहाँ से सीधा जो वो जा करके यहाँ से भी जो वो सेव एज कर सकते हैं और यहाँ पर जो वो बैकग्राउंड चेंज्ड, तो आप जो यहाँ से इतना जो वो कर सकते हैं। और उसके बाद जो वो
यहाँ पर चुनाव कर लीजिए जीए पीएनजी या जेपीजी का, उसके बाद सेव पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। लीजिए बिल्कुल फंटेस्टिकली ये जो वो तैयार हो गई है हमारी फ़ोटो। इस तरह से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं अगर आप इनकी जो वो अच्छे से क्लियरिटी को चेक करेंगे, यानी कि अच्छे से मेहनत करके समय दे करके आप जब इसकी कटिंग करेंगे तो और भी अच्छा जो वो बना पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम जो वो नहीं होने वाली है। तो ये थी हमारी वो फ़ोटो जो आपको दिख रही है, बिल्कुल पहले की फ़ोटो और अब की फ़ोटो में आप देख सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल के लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके घंटी को दबा लीजिए ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए कैसे करें।